यस बैंक बेचारा किस्मत का मारा। अब क्या सुनना चाहते हो कि यस बैंक ने चोरी की? यहाँ तक कि मतलब अब यस बैंक को चोरी करना पड़ा या इन्वेस्टर को लूटना पड़ा। अब देखो, अगर कोई इंसान खतरा महसूस कर रहा है तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है भाई, ये तो फैक्ट और डेटा बताते ही रहती है। तो क्या यस बैंक ने भी ऐसा चाल चला है भाई? आज के डेट में यस बैंक में 25% की अपर सर्किट है, लेकिन मैं बोलूँ ये अपर सर्किट नहीं है तो कितने लोग मानेंगे और कितने लोग नहीं मानेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट और डेटा है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है भाई। अब जिसने यस बैंक खरीदे हैं उनको तो रोना आएगा ही ये वीडियो देख के, लेकिन मैं प्लीज़ बोलूँगा कॉपरेट कीजिएगा। यहाँ मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपको एक दिन पहले बता दिया, जैसे कि मैं डेली आपको बता दिया करता हूँ कि परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। हालाँकि दोस्तों येस्टरडे हमने कल को भी बताया था कि यस बैंक भाई डूब चुका है, ये तो कल की न्यूज़ है जब ये 30 रुपये के आसपास ट्रेड हो रही थी यस बैंक तो, ठीक है। और हालांकि दोस्तों हमने 250 रुपीज़ के प्राइस पे भी बताया है कि यस बैंक डूब चुका है भाई निकल जाओ, 250 के प्राइस से 30 रुपीज़ तक में हम बता रहे भाई निकल जाओ। अब ये न्यूज़ अगर आप देख लोगे तो भाई ठीक है, देख लो। सुर्खियों में रही एसबीआई और यस बैंक की डील पर शाम होते होते ब्रेक लग गया। हालांकि इन खबरों के दम पर यस बैंक का शेयर करीब 26% चढ़कर बंद हुआ। उधर यस बैंक ने कहा है कि डील को लेकर ना तो उसे आरबीआई की ओर से या फिर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है। एसबीआई ने इस खबर पर कहा है कि अगर डील हुई तो सही समय पर जानकारी देंगे। पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी। दीपांशु, बताइए कि यस बैंक को लेकर आज खबरों का बाजार गर्म रहा, मौजूदा स्थिति क्या है, ताजा अपडेट क्या है यस बैंक को लेकर जो खबर आई है उसको लेकर? देखिए, जहां तक यस बैंक का सवाल है, उन्होंने इस खबर पर क्लियरली कहा है कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। भाई कुछ भी मालूम नहीं, आपने सुना ये फ्रैंक वीडियो है, समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर बोला जा रहा है कि यस बैंक को कुछ मालूम ही नहीं है। आज के डेट में यस बैंक में 25% का अपर सर्किट दिखा जा रहा है, जिन्होंने खरीदा होगा सोचिए उनको कितना नुकसान होगा, आपने खरीदा होगा तो आपको कितना नुकसान होगा सोच लीजिए, और यहाँ पर यस बैंक बोल रहा है भाई मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। हमें ना तो सरकार की तरफ से, ना आरबीआई की तरफ से, ना एसबीआई की तरफ से और ना ही किसी और रेगुलेटर की तरफ से कोई भी ऐसे संकेत मिले हैं जहां पर कहा गया है कि हमें हमारा स्टेक खरीदा जा रहा है या बैंक का। ओके, तो ये बात दीपांशु बता रहे हैं कि कोई अब तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है डील को लेकर के, ये डिटेल जानकारी आपके लिए है। बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, खबर ये तो है। भाई यस बैंक की न्यूज़ ख़त्म हो गई यहाँ पर। अभी यस बैंक बोलना चाहता है कि मुझे नहीं बताया गया, यहाँ मुझे पता ही नहीं है कि कोई मेरा स्टेक खरीदने वाला है, चाहे वो SBI हो चाहे वो LIC हो। अब देखिए, जिन्होंने भी यस बैंक को ख़रीदा होगा कल मार्केट ओपन होते ही अगर वो 10 से 20% अगर गिर जाएगा तो सोचिए लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा भाई। 400 रुपये से 40 रुपये तक आ गया, अभी तो लोगों को छोड़ दो यार, इतना ज़्यादा क्यों लूट रहा आप बताइए। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए एक कमेंट है दोस्तों, ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप देख लोगे ना तो आप भी इस कमेंट से उतना ही प्यार करोगे जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, टुमारो यस बैंक सिंगल डिजिट, मतलब कल को यस बैंक सिंगल डिजिट में आ जाएगा। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि देखो जैसे वो कर रहा है लोगों के साथ वो गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यस बैंक खराब है, ये वो, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि यस बैंक से भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं उनका गलत कहना नहीं है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर ये भाई साहब बोलना चाहते हैं, देन वाई डिड दे क्लेरिफाई दिस आफ्टर मार्केट आवर। ये भाई इनको तो आपको नोट करना चाहिए, अगर यस बैंक को पता था कि मुझे ऐसा कोई न्यूज़ या क्लेरिफिकेशन नहीं आया है तो दोस्तों वो मार्केट के बाद में क्यों क्लेरिफाई किए? अभी तो इन्वेस्टर को डूबना ही पड़ेगा ना, जो कल जो आज जितने लोगों ने खरीदारी किया होगा, अगर कल को मार्केट 9:15 को ओपन होता है, मान लीजिए कि यस बैंक 15% या 20% डाउन में ओपन होता है, तब तो लोगों को नुकसान हो जाएगा ना। तो हम तो इसको बोल सकते हैं ना साफ साफ कि ये चोरी हो है, चोरी है बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाई यहाँ पर इन्वेस्टर को मौका ही नहीं दिया जा रहा है निकलने के लिए, और जहाँ पर निकलने के लिए मौका
ही नहीं दिया जाता, वो तो गलत है, सबको एक मौका देना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, ये जरूर, ये क्वेश्चन पे हमें जरूर हमें ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई जब आपको येस बैंक को पता था तो क्यों आपने मार्केट आवर्स के बाद बताया, मार्केट आवर्स के अगर पहले पता रहता तो लोग खरीदते ही नहीं ऐसा। तो मैं बोलूँगा जो लोग भी येस बैंक को खरीदना चाहते हैं, मैं एक चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप येस बैंक को ख़रीदना चाहते हो तो प्लीज़ पूरी रिसर्च के साथ खरीदिएगा। आप ये सोच के मत खरीदिएगा कि येस बैंक में 25% का अपर सर्किट है। भाई ये अपर सर्किट नहीं, ये डाउन सर्किट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक साल का ही डेटा मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये अपर सर्किट नहीं है भाई, ये डाउन सर्किट है। ये 400 रुपये का स्टॉक आज को 30 रुपये में भी नहीं संभल रहा है। तो मैं बोलूँगा अगर एक दो दिन में थोड़ा बहुत सोचिए, आज के डेट में ये दोस्तों थोड़ा अपर सर्किट मारा, लेकिन फिर भी इसका प्राइस कितना, 36 रुपीज़। जिन्होंने 60 रुपीज़ के प्राइस पर खरीदा होगा, 70 रुपीज़ के प्राइस पर खरीदा होगा, उनको छोड़ दीजिए। जिन्होंने अबव 200 खरीदा, या जिन्होंने 100 रुपये पर खरीदा, 150 पर खरीदा, 200 पर खरीदा, उनकी बात ही खत्म है, उनकी तो जान बचने वाली है ही नहीं। लेकिन उनके बारे में सोच लीजिए जिनका 60, 70, 80 के प्राइस पे खरीदा, उनको भी एक मतलब कि लगता था कि भाई मेरा पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन उनको भी अब नहीं लगता कि निकलने वाला है। तो मैं ये बोलूँगा कि यस बैंक में ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं रही, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना सही होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि येस बैंक में मत निवेश करूँ, मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि देखो आपने टीवी चैनल में बहुत सारे देखते हो, सलमान खान को सभी जानते हैं, शायद कोई जानता है या सभी जानते हैं। ठीक है, अक्षय कुमार को शायद कोई जानता है या सभी जानते हैं। अब बोलेंगे ये दो क्वेश्चन क्यों, हम तो जानते हैं भाई, आपने उनको जानता है। तो अभी कहीं पर भी आपने देखा होगा सलमान खान ने एक ऐड किया है, ये तेल को खाओ और अपना सेहत बनाओ। ठीक है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट को वो लॉन्च करते हैं और एडवर्टाइज़ करते हैं, उनके लिए वो जो है करोड़ों रुपया लेते हैं। ठीक है, सलमान खान ने ये करोड़ों रुपया लिया था, लेकिन सलमान खान ने उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ किस बेसिस पे किया था, ट्रस्ट के बेसिस पे किया था। ट्रस्ट, ट्रस्ट एक ऐसा चीज़ है जो तुमको आसमान तक लेके जा सकता है। अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हें पैसा भी चाहिए, अगर ट्रस्ट है तो दे देगा, लेकिन अगर तुम गरीब हो, तुम्हारा नीयत में खोट है, तो भाई कोई नहीं देगा। तो उसी तरह कंपनी ने सलमान खान को इसलिए दिया था क्योंकि सलमान खान को ट्रस्ट था कि हाँ वो जो भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज मुझसे करवा रहा है वो गलत नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा यस बैंक ने ट्रस्ट को निकाल दिया है अपने यहाँ से। तो मैं बोलूंगा प्लीज अगर ये न्यूज सही है तो कल यस बैंक में नेगेटिव में होगा। और भाई जहां तक आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट देख रहे हो, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कल ही वीडियो बनाया था एक दिन पहले, मैंने बोला ना हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। ये देख लीजिए, मैंने साफ साफ लिखा था येस बैंक बन जाएगा आरकॉम, शेयर खरीदने से पहले सावधान हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, शेयर खरीदने से पहले सावधान हो जाओ, ये देख लो। मैं दोस्तों ये वीडियो एक दिन पहले इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता था कि ऐसे स्टॉक में पैसा लगाने से अच्छा है फिक्स डिपॉजिट करवा दो, कम से कम सेफ तो रहेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा भाई अगर ये सच में न्यूज़ है जो बताया जा रहा है कि येस बैंक बोल रहा है भाई मुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता, पता नहीं SBI वाले ने कहाँ से हल्ला कर दिया, RBI ने भी कुछ नहीं बोला, गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया, तो देखो अगर ऐसा करेगा तो भाई प्राइस तो गिरेगा और जितने निवेशक हैं उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ सबको पता चले। अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशनल लगा तो अब वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि यही वो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको एक दिन पहले बताया जाता है। और फिर से हम ट्राई करेंगे कि किसी न किसी स्टॉक के बारे में, और हाँ ये वीडियो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये वीडियो जिसने देख लिया ना, मैं बोल रहा हूँ उसको येस बैंक में लॉस नहीं होगा। बस ये वीडियो देख लो, येस बैंक में लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मुझे अभी याद आया कि मैंने कुछ छुपा रखा है आप लोगों के लिए। मैंने येस बैंक की जगह कोई और स्टॉक बोला था आप लोगों को खरीदने के लिए, और उस स्टॉक में आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है एक दिन के अंदर, और येस बैंक में तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो तो नाजायज है, वो भाई नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि एक काला धन होता है, और मतलब समझ रहे हो ना, ब्लैक मनी भी एक होता है और एक व्हाइट मनी। तो मैंने व्हाइट मनी आप लोगों को निकाल के दिया और यहां से ब्लैक मनी टाइप का आपको पैसा आ रहा है, क्योंकि जो पैसा एक दिन के लिए आया दूसरा दिन डूब जाएगा तो क्या वैल्यू उस पैसे का। ठीक है, तो मैंने जो बताया था दोस्तों इसमें बताया था, जो दो स्टॉक बताया था उसमें दोनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हुआ, और भी होगा। ठीक है, वीडियो आपके सामने है, देख लो भाई, थंबनेल आपके सामने है, टाइटल आपके सामने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।